हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? वेलकम बैक टू माय क्लास पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लेक्चर नंबर 6 पार्ट 2। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जी और नीट विद 12th। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। आज के इस वीडियो में पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको एमाइंस में कुछ बेसिक स्ट्रेंथ आपको सिखाई थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ऐसा मुझे आपके कमेंट से पता लगता है। आज ये पार्ट 2 है क्योंकि एमाइंस की बेसिसिटी समझने के लिए आपको कुछ ज़्यादा वीडियोस देखना पड़ेंगे। तो आज का पार्ट 2 है, इसमें आपको फिर आज एक नई चीज़ सिखाऊंगा कि बेसिसिटी को हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एमाइंस में आखिर बेसिक करेक्टर होता किसकी वजह से है। तो वो एक सिंपल सी बात है कि ये है हमारा एमाइन RnH2। यहाँ पर RnH2 में ये लोन पेयर है। इस लोन पेयर की वजह से एमाइंस बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम इस RnH2 की किसी मिनरल एसिड से रिएक्शन कराएं तो ये N अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उस मिनरल एसिड के प्रोटॉन से और एक साल्ट बना लेता है। उस सॉल्ट की जो है स्टेबिलिटी डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी होती है। ये चीज आपको शायद समझ में नहीं आएगी, ये डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है। बस इतना समझ लो कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और ये लोन पेयर शेयरिंग करेगा मिनरल एसिड के प्रोटॉन से। तो ऐसी कंडीशन में इसे हम बेसिक नेचर का बोलते हैं। अब ये इतना बताना तो आसान है कि आपको नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो इसका ये बेसिक करेक्टर है। अमोनिया पर लोन पेयर है, देखिए ये देखिए अमोनिया है, इस पर भी यहां पर लोन पेयर है तो इसका भी ये बेसिक नेचर है। लेकिन जब कंपैरिजन वाली बात आती है कि अमोनिया और एलिफेटिक अमाइन में कौन ज़्यादा बेसिक नेचर का है, तो बहुत सारे फैक्टर अलग अलग काम करते हैं। आज मैं जिस फैक्टर की बात कर रहा हूँ वो ये है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमाइन इन गैसियस फेस, गैसियस फेस। आज हमारा क्वेश्चन ये है, गैसियस फेस में एमाइंस की स्ट्रेंथ अलग होती है और एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ अलग होती है। आपको अलग अलग तैयार करना पड़ेगा। आज मैं केवल बात कर रहा हूँ गैसियस फेस में, और इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से गैसियस फेस में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, मेरे पास ये रहा अमोनिया, देखिए ध्यान से, RnH2 ये हमारा लोन पेयर, प्लस कोई प्रोटॉन ले लेते हैं किसी मिनरल एसिड का जिसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और प्रोटॉन इससे आके जुड़ जाता है। तो देखिए क्या बनेगा, RnH2 तो था ये H पॉजिटिव और चला गया तो क्या हो गया RnH3, और इस N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये देखिए ये सॉल्ट बन जाता है RnH3 पॉजिटिव। इस रिएक्शन को देख रहे हैं जो इसी की वजह से ये बेसिक करेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोटॉन का जुड़ना इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये प्रोटॉन इससे नहीं जुड़ सकता था,
तो यहाँ पर ये बेसिक करेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करता, एक तो ये बात है एमाइंस में, सारे एमाइंस में। लेकिन अगर इस आर एन एच टू की जगह मैं यहां पर ले लूं एन एच थ्री, इस पर भी देखिए ये लोन पेयर है, इसका अगर मैं प्रोटोनेशन करूं, ऐसे सिंपल भाषा में बोल दें, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कंपाउंड क्या बनेगा एन एच फोर पॉजिटिव, ये देखिए ये बेसिक करेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपल वे की बात करेंगे तो अपन ऐसे। अब अपन बात आती है कि अगर हमारे पास वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री एमाइन है, अमोनिया भी है, तो किसका बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा या किसका कम होगा और किसकी वजह से होगा, तो एक चीज बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास एन, ध्यान से देखिएगा ये है एन है, इस एन से आर आर एंड आर, ये थ्री डिग्री एमाइन है आर थ्री एन, और इस पर ये है लोन पेयर, ठीक है। एक और बना रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान से देखो ये रहा एन, यहां पर ये है आर, एक और आर, और इस जगह अटैच है ये एच। देखिए ये टू डिग्री एमाइन है और यहां पर ये लोन पेयर है। एक और एग्जांपल बना रहा हूं, ये रहा हमारा एन और ये रहा आर, ठीक है, और इससे यहां पर आर की जगह एच अटैच है और यहां भी एच अटैच है, और ये रहा हमारा लोन पेयर आर एन एच टू। और एक मैं और एग्जांपल बना देता हूं, वो है एन और इससे सब जगह एच अटैच है, ये देखिए, और लोन पेयर इस पर भी है, ध्यानपूर्वक देखिए, ये थ्री डिग्री एमाइन है, ये टू डिग्री एमाइन है, ये वन डिग्री एमाइन है, और ये अमोनिया, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिए, ऐसा कोई दिमाग में क्वेश्चन लाइए कि इस एन पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगा उसी की वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इस आर में प्लस आई इफेक्ट पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी प्लस आई इफेक्ट। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑन द नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। जितने ज्यादा प्लस आर, यानी आर अधिक जुड़े होंगे, उसकी उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। देखिए ये आर क्या करेगा, ये आर इलेक्ट्रॉन को इधर को पुश करेगा, देख लीजिए, ये आर इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर पुश करेगा, ये आर इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर पुश करेगा, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो मैं यहां पर ग्रेटर देन का निशान लगाऊंगा, और ये कैसा है, ये थ्री डिग्री एमाइन है, ओके। अब देखिए इसमें टू आर है, ये वाला आर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा नाइट्रोजन की तरफ, ये वाला आर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा हाइड्रोजन नहीं करेगा, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी लेकिन इससे कम होगी। सेम कंडीशन आर में देखिएगा, यहां पर एक आर इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ा रहा है, तो ये हमारे पर वन डिग्री एमाइन है तो इसकी इससे कम होगी। यहां पर भी मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा,
ये है हमारा 2 डिग्री एमाइन यानी सेकेंडरी एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, और ये है 1 डिग्री एमाइन। ओके, अब अमोनिया में देखिए ऐसा कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही है लेकिन इससे कम होगी, तो यहां पर भी मुझे ये निशान लगाना होगा। अगर कोई रीजन पूछे तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, इसकी वजह से बेसिसिटी सबसे ज्यादा इसकी होगी। मैंने लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर द ऑफ अमाइन इन द गैसियस फेस, तो गैसियस फेस में और कोई करेक्टर काम नहीं करता, कोई इफेक्ट काम नहीं करता। 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन एंड अमोनिया, इस तरीके से बेसिक करेक्टर होता है। रीजन कोई पूछे तो क्या लिखोगे, रीजन क्या है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये रीजन है। बात समझ में आ गई, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको ये समझ लेना चाहिए कि RnH2 किस तरीके से प्रोटोनेशन करता है, अमोनिया किस तरीके से प्रोटोन करता है, और ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है, गैसियस फेस में प्लस आई इफेक्ट की वजह से। छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, ये आज मैं केवल गैसियस फेस की बात कर रहा हूं, तो 1 डिग्री अमाइन में ध्यान रखना आर की जगह मिथाइल अटैच हो या इथाइल अटैच हो, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन पड़ेगा अगर ये एक्वस फेज में बात करूं मैं, तो अगर मिथाइल अगर यहां जोड़ता हूं तो अलग स्ट्रेंथ होगी, इथाइल जोड़ूंगा तो अलग स्ट्रेंथ होगी। वहां पर 2-3 फैक्टर और काम करेंगे, जैसे आपको बता दूं, सबसे पहले वहां पर सॉल्वेशन इफेक्ट काम करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ चेंज होगी। वहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस काम करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग होगी। वहां पर ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा, एरोमेटिक अमाइन में बेसिक स्ट्रेंथ चेंज होगी। वहां पर प्लस आई और माइनस इफेक्ट भी काम करेगा, वहां भी बेसिक स्ट्रेंथ चेंज होगी। यानी इतने सारे करेक्टर एक्वस सॉल्यूशन में, एलिफैटिक में भी और एरोमेटिक में भी, जो डिसाइड करते हैं कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कम होगी। हम सभी पार्ट्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, पहले सिंपल पार्ट देखिए, ये भी है। कल वाला पार्ट भी मैंने आपको मिथाइल और इथाइल के फॉर्म में कराया था, आज के इस पार्ट में केवल 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अमाइन और अमोनिया दिया हुआ है, तो किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आर से कोई अंतर नहीं होता, बड़ा है कि छोटा है, आपको केवल प्लस आई इफेक्ट देखना है, जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बस। और आर में कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर इंक्रीज करेगा, बस इतनी सी बात आपको याद रखना। RnH2 एंड अमोनिया में कौन ज्यादा होगा, तो आप यहां बता सकते हो ना कि RnH2 यानी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होती है, अगर पर्टिकुलर अगर बात करें तो, लोन पेयर तो दोनों पे ही होता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, पार्ट 3 का इंतजार कीजिएगा। अगले टर्न पर कुछ विशेष चीजें लेकर के फिर आ रहा हूं, और आपको एक बात मैं बड़ी शालीनता से कह रहा हूं कि आप चैनल पर ज्यादा से ज्यादा 11th 12th के स्टूडेंट जुड़िए, और जो नीट और जी की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट जुड़िए। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मेरे इस चैनल पर कक्षा 11 यानी 11th क्लास से जी एडवांस तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, वो भी सिस्टमैटिक। अगर आप नियमित मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको किसी प्रकार के कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लियर अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। अब ये बात मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार तो स्टार्टिंग में आप सुनते ही नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग केवल पढ़ाई पर रहता है, तो मैं लास्ट में बता रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने वीडियोस को नियमित रूप से देखिए। मुझे कमेंट में बताते रहिए आप किस तरीके की पढ़ाई चाहते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।